सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए ब्रांड एपिसोड में। और आज हम जो है काफ़ी टाइम बाद अपना व्लॉग शूट कर रहे हैं जीटी के ऊपर। तो जीटी की आज आपको रेड रूस्टर का एग्जॉस्ट नोट सुनाने वाले हैं, रॉ एग्जॉस्ट साउंड सुनाने वाले हैं, बल्कि प्योर एग्जॉस्ट साउंड देंगे। आप लोगों को बताना कॉमेंट करके कि भाई कैसी आवाज़ आ रही है अपनी जीटी में। काफ़ी लंबे टाइम के बाद आज हमने अपनी जीटी को बाहर निकाला है, थोड़ी थोड़ी सी डर्टी हो रही है भाई, इसको क्लीन अप भी करेंगे, चैन लूप चैन क्लीन वगैरह सारा प्रोसेस करने वाले हैं। फिलहाल आज अभी मस्त राइड करने वाले हैं, मॉर्निंग हो रही है भाई, बहुत बढ़िया सी अभी 7:30 बजे का समय है और जीटी को हम निकाल लाए हैं बाहर हाईवे साइड पर। तो आज आपको हाईवे क्रूज साउंड सुनाने वाले हैं जीटी का। तो भाई हमने जीटी को बिल्कुल रैप कर लिया है, गरम कर लिया है गाइस, और इसको अभी हम एग्जॉस्ट नोट देखते हैं इसका कि आइडल पे एग्जॉस्ट नोट कैसा आ रहा है। वैसे वार्म अप हो चुकी है, अभी मैं घर से यहां तक आया हूं, बढ़िया साउंड लगा रही थी भाई। अब चेकआउट करो भाई, देखो जीटी का साउंड, ये देखो भाई आइडल में एग्जॉस्ट साउंड आ रहा है इसका। तो स्टार्ट करते हैं और देखो अभी हम लोग हाईवे की तरफ चल रहे हैं, हाईवे पे चलेंगे, आपको प्योर एग्जॉस्ट साउंड सुनाएंगे भाई, कैसा आ रहा है, कैसे क्रिस्प आ रहा है ज़रूर कमेंट करके बताना आप लोग। काफ़ी टाइम बाद अभी हम गोप्रो पे स्विच कर चुके हैं, गोप्रो पे शूट कर रहे हैं। में चल रहे हैं गाइस और साउंड बताना आप कैसा आ रहा है जीटी का, बिल्कुल क्रिस्प साउंड निकल रहा होगा रेड रूस्टर्स का। तो प्योर एग्जॉस्ट साउंड के एंजॉय करो भाई थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूं मैं। गाइज हाईवे देख रहे हो आप लोग, पीछे कितने ज़्यादा वॉबल कर गई थी बाइक, क्योंकि हाईवे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ पर। ये देख रहे हो आप कलवर्ट जो होती है ना, ये बिल्कुल भी सही से इन्होंने लगाई भी नहीं है, इसकी वजह से बाइक जो है ना हिल जाती है। यहाँ देखो सारा सरफेस ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ से यार हम लोग यू टर्न लेने वाले हैं और आई थिंक ये वाला स्ट्रेच जो है बहुत बढ़िया है, जिस पर हम खींच सकते हैं आगे और ट्राई करके देखते हैं एक बार, आपको एग्जॉस्ट नोट जो है प्योर निकाल के देंगे। लेकिन क्या होता है ना, बीच बीच में जो है ना जो हाईवे है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इसलिए हमें स्पीड डाउन करनी पड़ती है भाई। वाला स्ट्रेच बहुत ही बढ़िया था, कैसी आवाज आई कमेंट करके जरूर बताना भाई, कितने जबरदस्त क्रैकल्स निकाल रही है और क्रिस्प साउंड देख रहे हो कितनी जबरदस्त आ रही है। हमने ऑलमोस्ट 140-150 के आसपास टच किया था अभी पीछे वाला जो स्ट्रेच आया था। यार कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है क्योंकि ये जो हाईवे है ना ये वॉबल करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा जंपी हो जाते हैं, तो इससे जो है ना बाइक का बैलेंस ख़राब होता है। बहुत प्यारी खींच रही है बाइक, बहुत बढ़िया साउंड निकाल रही है, अभी बहुत प्यारा टॉर्क निकालने शुरू हुई थी, अभी 140-150 पर पहुँचे थे भाई। ये बाइक आराम से जो है ना 180 इतने प्यार से टच करती है, मज़ा आ जाता है भाई। Thank you.
टायर्स चेकिंग वगैरह हो रही है यहाँ पर, आरटीओ घूम रहे हैं भाई। वो देखो वो वाली गाड़ी जा रही है आरटीओ की, क्योंकि यहाँ पे ट्रक वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं ना, तो आरटीओ चेकिंग पे आता है। सो देख रहे हो भाई अपनी जीटी की साउंड लाउड नहीं है भाई, सुपर लाउड हो रही है इस समय पे। वही फील है भाई, कितने भी टाइम बाद निकाल लो इसको। तो फिलहाल अभी हम दूसरी वाली रोड पर कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इस वाले पैच से होके जाना पड़ रहा है अभी हमें। वहाँ से हम हाईवे से नीचे उतर जाएंगे। और साउंड कैसा आ रहा है भाई कमेंट करके ज़रूर बताओ, जो पीछे साउंड निकल रहा है ना, आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड आ रहा होगा भाई। हेडफोन्स लगा के इस म्यूज़िक को एंजॉय करना और कमेंट करना कैसा लग रहा है आप लोगों को। मतलब इतना प्यारा स्वीट सूदिंग साउंड निकलता है, मतलब जितना चीज़ चाहिए होती है ना साउंड में सारी की सारी मिल जाती है। और व्यू चेकआउट करो भाई एक बार, हम लोग कहाँ आ चुके हैं देख रहे हो। ये हमारा फेवरेट स्पॉट है जहाँ पर हम बिल्कुल बढ़िया से व्लॉग शूट कर लेते हैं आप लोगों के लिए। काफ़ी टाइम बाद यहाँ आना हो रहा है, देख रहे हो ये फसल पकने वाली है, बिल्कुल रेडी है। और सुबह का मौसम हो रहा है, क्या ज़बरदस्त हो रहा है। तो भाई व्लॉग कैसा लगा है, प्योर साउंड एग्जॉस्ट आप लोगों ने इन्जॉय किया, कैसा लगा आपको ये व्लॉग कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। एक बार आपको और आइडल पे साउंड सुना देते हैं, जीटी कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके बता देना भाई। काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने इस जीटी को अपनी बाहर निकाला है, तो ये इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिनी व्लॉग था भाई बिल्कुल रॉ एग्जॉस्ट साउंड का। अगर आप और कहोगे तो मैं आपके लिए बिल्कुल प्योर लंबा सा एक और बहुत दूर तक का एक व्लॉग बना के दूंगा, जिसमें हम लोग केवल इस रेड रूस्टर की और जीटी की जो है ना साउंड एंजॉय करने वाले हैं। तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और लास्ट में आप रेड रूस्टर का एक आइडल साउंड सुनते चले जाओ। देख रहे हो एक क्रैकल तो बनता है। और डूम, गुड बाय गाइस, मिलेंगे आपसे एक और नए ब्लॉग में। बाय बाय।